गुड आफ्टरनून मैम। 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 गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक। परेश, शिका, हाँ जी बच्चे वेलकम बैक। और थोड़ा सा आपको पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ट्वेल्थ का सिलेबस के बारे में। हाँ जी, ट्वेल्थ का जो सिलेबस रहेगा बच्चे, इसमें आप लोगों को इट इज मोर इजियर, यू विल बी मोर कंफर्टेबल। प्लस वन थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है एकदम से आके, सिलेबस भी काफी होता है और मुश्किल भी है बीच बीच में, जैसे फिजियो वगैरह। अब यहाँ पे यू विल बी मोर कंफर्टेबल, एक तो थोड़ा सा शॉर्ट सिलेबस होता है ट्वेल्थ का, और दूसरा बहुत सारे टर्म्स आपको आती है ना। और मेन चीज ये है कि इजी भी बहुत है, एक जेनेटिक्स को छोड़ के बाकी एवरीथिंग इज वेरी इजी। जेनेटिक्स थोड़ी ट्रिकी है। इलेवेंथ में जरा याद करो, जैसे मॉर्फो एनाटॉमी नहीं थी कि वो तो मतलब पढ़ ली और याद कर ली है ना। फिजियो ऐसी थी, फिजियो को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, उसकी लाइन ही नहीं समझ आती है एनसीईआरटी ने। सो ट्रिकी पोर्शन इलेवेंथ में फिजियो का रहता है और ट्वेल्थ में ट्रिकी पोर्शन जेनेटिक्स का रहता है। समझ रहे हो, जेनेटिक्स जो है वो कोर एरिया है, ट्वेल्थ का कोर एरिया जेनेटिक्स होता है। जैसे फिजियो के ऊपर कमांड सबकी नहीं होती ना, ऐसे जेनेटिक्स के ऊपर भी नहीं होती, जो मेहनत करेगा उसी की कमांड होगी। एनीवेज वो जेनेटिक्स तो अभी आगे आएगा, अभी हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के मतलब 2 चैप्टर और 3 टेस्ट होते हैं टोटल इसके। चैप्टर कितने हैं रिप्रोडक्शन के? 2, ठीक है, और टेस्ट टोटल कितने हैं? 3। पहले चैप्टर को 2 पार्ट में स्प्लिट किया हुआ, सो चैप्टर 2 हैं और टेस्ट इसके टोटल 3 होंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर हम कोर एरिया स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स मेन एरिया है एंड देन एट द लास्ट फिर एक बड़ा इजी मजेदार सा एरिया आ जाता है इकोलॉजी का, एनवायरमेंट का। ठीक है ना, सो यू विल बी कंफर्टेबल, मच मोर कंफर्टेबल, क्योंकि सिलेबस एक थोड़ा कम है, एक इजी भी है। ठीक है, और बहुत सारी टर्म्स जब मैं यूज करूंगी और आपको आती होंगी तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, सो दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी मोर फन। रिप्रोडक्शन का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, चैप्टर 2 हैं और टेस्ट 3 होने हैं टोटल, और हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से शुरू करते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सो अभी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने, और सिर्फ पहले ना थोड़ा सा लिखना है ताकि आपको पता चले कि हम किस लेवल तक और कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बुक्स की मैं दोबारा बता दूं, जैसे आपने इलेवेंथ में फॉलो किया है वैसे ही बिल्कुल फॉलो करना। आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए आपके पास एवरी टाइम ऑन योर टेबल, और एक क्लास अपनी इंस्टीट्यूट का जो बुकलेट है और एक क्लास के नोट्स होने चाहिए। इसके अलावा फजूल में इधर उधर किताबें निकाल निकाल के खुद को कंफ्यूज नहीं करना। एनसीईआरटी, आपकी क्लास की कॉपी और आपके इंस्टीट्यूट का बुकलेट, दैट्स मोर देन सफिशियंट। ठीक है, चल शुरू करते हैं फिर हम। If possible, एक दो जने अपना कैमरा बच्चे ऑन कर लो जरा। नीतिका, पलकदीप, मुस्कान, ध्रुव, जिया, दृष्टि, एक दो जने बच्चे कैमरा ऑन कर लो। तो मेरे को इसमें ना लिखाना है मुझे, सो मुझे देखना पड़ेगा आपने नोट किया है कि नहीं किया है। मेरे पास आगे नीतिका है, पलकदीप है, मुस्कान और भाव।
जी मैम, कैसे पता चलेगा मुझे फिर? यशिका, ओके, थैंक यू गौरीश, थैंक यू सो मच. ध्रुव, आप भी हो फर्स्ट नंबर पे? पलकदीप, मुस्कान, राइट इट डाउन प्लीज. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है जी, अच्छा, राइट ऑन प्लीज. डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ male and female gametes. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? मेल और फीमेल गमीट का फ्यूज करना और फिर एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाना. लेकिन एक चीज आपको बता दूं, आज के बाद याद रखना कि इसके लिए एक टेक्निकल टर्म भी होता है, और वो जो टेक्निकल टर्म है उसका नाम है एम्फीमिक्सिस. टेक्निकल टर्म इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस. एम्फी का मतलब बोथ. एम्फी का मतलब है बोथ. मिक्सिस का मतलब है मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स. लिखो, लिखते जाओ अभी. मिक्सिस का मतलब है मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, और पौधा ये काम कहां करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां करेगा? फूल में. फ्लावर इज द सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर इज द सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. चलो, आई नीड योर हेल्प नाउ. क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोगों ने मुझे आंसर करना है. चलो जी, मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने क्या लिखा अभी तक. फूल में, फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. सबसे पहला पॉइंट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है, मेल और फीमेल गमीट का बनना और उनका आपस में फ्यूज करके एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बजाय हम एक टेक्निकल टर्म यूज करने वाले हैं, एम्फीमिक्सिस. एम्फी का मतलब दोनों, मिक्सिस का मतलब क्रोमोसोम का मिक्स हो जाना. अब ये कौन है जिनके क्रोमोसोम मिक्स हो गए हैं? मेल गमीट और फीमेल गमीट, और एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया. अब बेटे, हमारी बॉडी में ये ड्यूटी, किसी का माइक ऑन है बच्चे, प्लीज ऑफ करो, नहीं तो फिर मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा.
हमारी बॉडी में ये ड्यूटी किसको दी गई है? हमारी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ड्यूटी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मिली हुई है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस काम में यूज होता है ना. तो प्लांट की बॉडी में भी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, और वो जगह जो मुकर्रर करी गई है, फिक्स करी गई है, वो है फूल. सो फ्लावर इज द सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर वो जगह है जहां प्लांट अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्स ऑर्गन को बनाएगा. अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि प्लांट के पास तो बड़ी ऑप्शंस होती हैं, प्लांट तो बड़े आराम से वेजिटेटिवली प्रोपेगेट हो सकता है, तो उसको क्या पड़ी है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने पे तुला हुआ है, इस काम के लिए वो फूल बना रहा है ना. तो व्हाई एन ऑर्गेनिज्म प्रेफर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज माई क्वेश्चन. रेज योर हैंड प्लीज. नमन. वेरिएशन. गौरीश. वेरिएशंस के लिए. वेरिएशन, ओके. मनन गोयल. हाँ जी बेटे. एम फॉर वेरिएशन. वेरिएशन. कोई ऐड करना चाहे इसमें कुछ? रिया. वेरिएशन इज द राइट आंसर. एनीथिंग यू वांट टू ऐड? Then Ananya Ghai. Ananya. Ma'am, evolution. Shabash. So hame वेरिएशन लानी है ना. वेरिएशन वर्ड सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आती है. जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स की डुप्लीकेट कॉपी नहीं है, हमारी अपनी एक शक्ल है, हमारी एक अपनी पहचान है, पर्सनालिटी. सो वेरिएशन आती है. अब वेरिएशन ला के क्या करेंगे, क्योंकि वेरिएशन से ही इस प्लेनेट पे एवोल्यूशन होगा. सो हर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करता है बिकॉज इट ब्रिंग्स वेरिएशन, एंड वेरिएशन हेल्प इन एवोल्यूशन. समझ रहे हो? तो फूल एक जगह है जहां प्लांट अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना और समझना इसको दिमाग में. हमारी बॉडी पे लगा के देखते हैं. हमारी बॉडी में सबसे पहले एक चाइल्डहुड का पीरियड आता है. धीरे धीरे हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं और प्यूबरिटी की तरफ हम बढ़ते हैं, और प्यूबरिटी के बाद अडल्टहुड आ जाता है, एंड अडल्टहुड में एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाता है. इसका मतलब हमारी बॉडी पे बड़ी क्लियरली पता चलता है कि अब प्यूबरिटी की तरफ ये ह्यूमन बींग बढ़ रहा है, अब ये अडल्ट हो गया है, इसकी बॉडी पे ये फीचर आए हुए, ये मेल है, फीमेल है, सब क्लैरिटी से पता चलता है. बेटा प्लांट में भी ऐसे ही होता है. प्लांट में भी पहले हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फिर प्लांट की बॉडी पे भी कुछ बनने लग जाता है. वो होते हैं फ्लोरल प्राइमोडिया, और फिर जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो फ्लोरल बड बन जाती है, और जब वो खिल जाते हैं तो वो फूल बन जाता है. सो देखो कितनी मजेदार चीज है कि जो हमारी बॉडी में हो रहा है कुछ ऐसा सा ही एसोसिएटेड प्लांट की बॉडी में भी हो रहा है. हमारी बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए धीरे धीरे खुद को तैयार करती है, और हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं. संजम मैम आपको पढ़ाएंगे, जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं. मेल और फीमेल में चेंजेस आते हैं जिनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर कहते हैं, जैसे कि मेल में फेशियल हेयर का आना है ना. तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि ये बंदा या ये इंसान प्यूबरिटी की तरफ बढ़ रहा है, अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा है ना, अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार कर रहा है. द सेम गोज विद द प्लांट. प्लांट में जैसे ही मैच्योरिटी लेवल थोड़ा आता है, प्लांट भी अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करने लग जाता है. उसमें भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, उसमें छोटे छोटे फ्लोरल प्राइमोडिया बनते हैं, और प्राइमोडिया थोड़े से बड़े होके बड बन जाती है, और बड खिल के फूल बन जाती है. लो जी, प्लांट इज रेडी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, जिसको आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखोगे, नहीं तो ये समझ से बाहर हो जाएगा. लिखो शाबाश. हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड. हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड. So, पौधे में भी हार्मोन चेंज होते हैं और कुछ बनने लग जाता है. ठीक है, क्या बनने लग जाता है बच्चे? फ्लोरल प्राइमोडिया. सो देयर इज
डिफ्रेंसिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर इज डिफ्रेंसिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लूरल प्राइमोडिया. प्राइमोडिया पता क्या होता है, जिनकी मेमोरी अच्छी है उनको याद होगा, एक लीफ प्राइमोडिया भी पढ़ा था. तो कोई भी चीज जस्ट बाहर आए और रिकॉग्नाइज हम उसको कर पाए तो दैट अर्लीएस्ट स्टेज इज कॉल्ड प्राइमोडिया. अब वो लीफ का प्राइमोडिया भी हो सकता है, वो फूल का प्राइमोडिया, व्हेन एनीथिंग कम्स आउट एंड वी स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग इट ना, तो वो प्राइमोडिया होता है. प्लूरल है प्राइमोडिया, सिंगुलर है प्राइमोडियम. सो डिफ्रेंसिएशन यानी कि बनना, डेवलपमेंट यानी कि उसका बड़ा होना, किसका भला? फ्लोरल प्राइमोडिया का. और फिर मैंने क्या बोला, वो बड बन जाती है, फिर वो खिल के फूल बन जाता है, प्लांट इज रेडी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडिया. ठीक है. और फूल हमेशा मोस्टली गुच्छों में बनते हैं, एंड यू नो इस गुच्छे को हम इनफ्लोरिसेंस कहते हैं. सो थर्ड पॉइंट आएगा, इनफ्लोरिसेंसेस आर फॉर्म्ड विच पोजेस, इनफ्लोरिसेंसेस आर फॉर्म्ड विच पोजेस फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर. लो जी, प्लांट इज रेडी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज आए, प्राइमोडिया बना, बड बना, फूल बना, और यूजली ये सारा कुछ गुच्छे में होता है, एंड दैट गुच्छा इज कॉल्ड इनफ्लोरिसेंस. चलो आज का मेरा सेकंड क्वेश्चन है, अब देखते हैं कौन आंसर करता है इसको. ध्यान से सोच समझ के जरा आंसर करना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है, प्लांट रेडी हो गया. मैंने अभी कहा प्लांट इज रेडी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे स्टार्ट हो गई है. अब आप में से कौन है जो मुझे इसका सीक्वेंस बताएगा? पौधा जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या रहता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सम इवेंट्स, है ना? बस मुझे वो इवेंट का नाम बोलना नहीं है, किसी ने हैंड रेज करना है और मुझे आंसर करना है. क्या आता है आपके दिमाग में? मैं कह रही हूँ जी प्लांट है, फूल बना लिया, तैयार हो गया, अब मुझे बताओ करेगा कैसे वो, है ना? करेगा कैसे? फूल बन गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा उसमें? एनी वन ऑफ यू हैंड रेज करके बताओ मुझे. अरे कुछ तो पता होगा, आपने प्लांटी पड़ी हुई है. पुरु शाबाश, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड शाबाश. एनी अदर? अनमोल महाजन, अनमोल और कुछ? एक मिनट, हाँ बोलो. अनमोल आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे, मनन मैम फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. अच्छा, सो एक ने बोला फर्टिलाइजेशन और एक ने कहा एम्ब्रियो का बनना. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो. चलो ठीक है, वेरी गुड. और कुछ कोई ऐड करना चाहे? पॉलिनेशन. पॉलिनेशन और कुछ? तो मुझे एक्चुअली तीन स्टेप के आंसर मिल चुके हैं. पॉलिनेशन होती है, मैं आपको सीक्वेंस में कर देती हूँ. पॉलिनेशन होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, फिर एम्ब्रियो बनता है. सो जो कुछ भी आपने मैंने मुझे बताया, मैंने उसको सीक्वेंस में लगा दिया. पहले पॉलिनेशन होगी, फीमेल पार्ट तक वो पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, फिर एम्ब्रियो बनेगा. कोई इसमें और ऐड करना चाहिए हैंड रेज करके? इकट्ठे नहीं बोलना ताकि मुझे पता चले. रिया,
हाँ जी बोलो। सो पहुंच गए अपने एयरबाय और कुछ हर्षदीप मैम मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन ओके चलो सो काफी सारा आंसर मिल गया ठीक है सारा नहीं है ये लेकिन काफी हद तक हमें आंसर मिल गया अब मैं आपको ना सीक्वेंस में करके बताती हूँ और आज के बाद ये सीक्वेंस आप लोग नहीं भूलोगे क्योंकि ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीक्वेंस नहीं है ये हमारे चैप्टर का भी सीक्वेंस है हमने इसी सीक्वेंस में पढ़ना है जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीक्वेंस है वो हमारी चैप्टर का भी सीक्वेंस है सो आज के बाद कोई इस चीज को ना भूले कि प्लांट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो सबसे पहले स्पोर को बनाता है स्पोर का बनना इज कॉल्ड एज स्पोरोजेनेसिस और फिर पुत्र जी गमीट बनते हैं उसके अंदर और गमीट का बनना इज कॉल्ड गमिटोजेनेसिस अब मुझे पता है बड़े जने गड़बड़ी करेंगे दो दिन बाद मैं पूछूंगी तो वो कहेंगे गमीट बनते हैं फिर स्पोर बनते हैं नहीं पहले स्पोर बनता है उसमें गमीट बनता है अगर आपको ये भूल रहा है सो हमेशा इस फोटो को अपने दिमाग में रखो जो मैंने आपको 11th में कराई थी ये पॉलन ग्रेन है पॉलन ग्रेन मेल स्पोर होता है सो स्पोर बना हुआ है और याद करो इसके अंदर गमीट थे तो स्पोर के अंदर गमीट होते हैं इसका मतलब पहले स्पोर बनता है फिर गमीट बनता है स्पोर का बनना इज स्पोरोजेनेसिस और गमीट का बनना इज गमीटो स्पोर के अंदर गमीट है ना तो ऑब्वियसली पहले स्पोर बना होगा सो इस तरीके से आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे इट्स स्पोरोजेनेसिस एंड देन गमीटोजेनेसिस ठीक है अब ये मेल में भी होगा ये फीमेल में भी होगा मेल का जो स्पोर है ना मैं लेबलिंग कर देती हूँ ताकि आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन ना रहे जो बाहर है वो स्पोर है और जो इसके अंदर बने हुए हैं वो गमीट है स्पोर का बनना स्पोरोजेनेसिस गमीट का बनना गमीटोजेनेसिस चलो जी होगी कहानी खत्म अब क्या होता है अब ये फीमेल पार्ट तक पहुंचेगा और फीमेल क्योंकि ये फीमेल पार्ट तक पहुंचाएंगे तब भी फर्टिलाइजेशन होगी ना सो ये फीमेल पार्ट तक पहुंचेगा और इस एक्ट ऑफ डिस्पर्सल को हम बोलते हैं पॉलिनेशन अब पता नहीं कौन लेके जाए हो सकता है हवा उड़ा के ले जाए हो सकता है पानी बहा के ले जाए तितली ले जाए हनी बी ले जाए बड़े बड़े जानवर ले जाए है ना चलो इस का टिकाने तक पहुंचना हम इस एक्ट को बोलते हैं पॉलिनेशन पहुंच गया अपने टिकाने पर अब वो होगा जो सबसे क्रूशियल है फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो का बनना इज एम्ब्रियो जनी सो आई होप आप लोगों को आज के बाद ये सीक्वेंस नहीं भूलेगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का इवेंट होता है पहले स्पोर बनते हैं फिर गमीट बनते हैं फिर पॉलिनेशन होती है फिर फर्टिलाइजेशन होती है और फिर एम्ब्रियो बनता है सबसे क्रूशियल इवेंट कौन सी वाला फर्टिलाइजेशन और अगर ये इतनी क्रूशियल इवेंट है ना मैं कह रही हूँ बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट ये है ना सबसे इंपॉर्टेंट ये है अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर इसको रेफरेंस ले लेते हैं जो कुछ भी इसके पहले होगा दैट्स कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और जो कुछ भी इसके बाद में होगा दैट्स कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट नोटेड डाउन वेरी वेल प्लीज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो भी फर्टिलाइजेशन के पहले होगा और जो बाद में होगा दैट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स रिया नोट कर लिया बच्चे आपने रिया ध्रुव यस मैम ओके पुरु और वसुदा प्लीज बच्चे हैंड अप कर लो जरा ओके ठीक है जी
अच्छा सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना. सो हमने क्या पढ़ा, अब एक बार ना फटाफट देखते हैं. हमने दो तीन चीजें ही अभी तक कवर करी हैं. आपने स्क्रीन नहीं देखनी, खुद से पूछना, याद हो गया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल कमीट का बनना, आपस में फ्यूज करना और एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करना, ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और इसके लिए टेक्निकल टर्म होता है एम्फी मिक्सेस. एम्फी मतलब दोनों, मिक्सेस मतलब क्रोमोसोम का मिक्स हो जाना. सो दोनों मेल और फीमेल कमीट के क्रोमोसोम मिक्स हो जाते हैं. अच्छा, हमारे अंदर तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, प्लांट के अंदर ये कहां होता है, फूल में होता है. सो फ्लावर इज द सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इससे वेरिएशन आती है. अगला क्वेश्चन, हमारे में तो पता चलता है कि अब एक इंसान प्यूबर्टी की तरफ, अडल्टहुड की तरफ और रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है. क्या पौधे में भी पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है. पौधे में भी हार्मोनल चेंज आएगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे. अब आप सोचोगे स्ट्रक्चरल चेंजेस पौधे पे क्या आएंगे, बेटे छोटे छोटे प्राइमोडिया का बनना, फिर वो बड़े होके बड बन जाते हैं, फिर वो खिलके फूल बन जाते हैं, और फूलों के गुच्छे को हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं. बताओ इससे बढ़िया क्या इंडिकेशन है कि प्लांट इज रेडी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हो गया तैयार. अब क्या होगा, पहले स्पोर बनेगा, फिर गमीट बनेगा, फिर डिस्पर्सल होगा, फिर सबसे क्रूशियल एक्ट होगा फर्टिलाइजेशन, और फिर एम्ब्रियो बनेगा. अगर फर्टिलाइजेशन इतना क्रूशियल है तो जो कुछ भी उसके पहले हो रहा है उसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और जो कुछ भी उसके बाद में हो रहा है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है. अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन रहता है कि स्पोर पहले बनता है कि गमीट पहले बनता है, तो इस फोटो को अपने दिमाग में रखो. ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन स्पोर होता है, और उसके अंदर हमने गमीट्स बनाए थे जब हमने प्लांटी पढ़ी थी. सो पहले स्पोर बनता है फिर गमीट बनता है, पहले स्पोरोजेनेसिस फिर गमीटोजेनेसिस. और मुझे नहीं लगता इसके बाद का सीक्वेंस भूल सकता है. फिर पॉलिनेशन होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, फिर एम्ब्रियो और बाकी चीजें बनती है. समझ गए, पौधे का जो मोटिव था वो अचीव हो गया है ना. अब बच्चे कहते हैं क्या फ्लावर हमारे भी, वो कहते हैं ना हर चीज में ह्यूमन बीइंग अपना फायदा ढूंढता है, तो क्या हमारे भी काम आता है ये फूल, हमारे काम आता है? बिल्कुल आता है. इसकी सोशल वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है, ऑर्नामेंटल वैल्यू है, अस्थेटिक वैल्यू है. अस्थेटिक होता है जो चीज हमें प्लेजर देती है, खुशी देती है. तो आपको पता फूलों को देख के हमें अच्छी फीलिंग आती है. सो फूल जो है ना दो दो काम कर रहा है, पौधे के भी काम आ रहे हैं, हमारे भी बहुत काम आता है. हमारा, मुझे बताओ कौन सा ऐसा इवेंट है जो फूलों के बिना होता है? कोई भी शादी ब्याह है या कोई भी इवेंट है ना, सब में कोई सो फ्लावर हैज एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस वैल्यू ऑल्सो. सो ये चीज हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे कि हमारे भी फूल बहुत काम आता है. सो राइट डाउन प्लीज, फ्लावर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ, फ्लावर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ, बोलो नहीं, माइक अपना बंद रखो, आवाज आ रही है. फ्लावर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक एस्थेटिक ऑर्नामेंटल Flower is an object of aesthetic, ornamental, social, cultural, and religious value. ठीक है, मुझे लगता है बाकी सबके मीनिंग तो आपको पता ही है, ऑर्नामेंटल सजावट और बाकी सब पता है ना. एस्थेटिक इज जो आपको खुशी दे, तो फ्लावर को देख के ऑफकोर्स हमें खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है. सो फ्लावर ड्यूअल फंक्शन कर रहा है, पौधे के लिए भी और हमारे लिए भी. ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया सबने. चलो अब हमारा ना मेन वाला पोर्शन, मतलब अभी तक थोड़ा फिलोसफिकल चल रहे थे हम, अब जरा बॉटनी पे आते हैं. और अब हमारा मेन पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. मेल पोर्शन और फीमेल पोर्शन को हम स्टडी करेंगे, कैसे स्पोरोजेनेसिस होता है, कैसे गमेटोजेनेसिस होता है. सो सबसे पहले मेल पार्ट, एक काम करते हैं, पहले आप इसको ना लिख लो, फिर आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी. सो राइट ऑन द फर्स्ट पार्ट, स्टेमन.
जब तक मैं आपको जिम्नोस्पर्म करा रही थी 11th में, मैंने इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोला, लेकिन एंजियो में इसको स्टेमन कहते हैं। जिम्नो तक हम इसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, लेकिन एंजियो में ये इसको एक बड़ा प्रिविलेज्ड नेम दिया जाता है, स्टेमन। सो माइक्रोस्पोरोफिल और स्टेमन एक ही चीज है। जिम्नो तक माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, एंजियो में हम इसको स्टेमन बोलते हैं। एंजियो में स्टेमन बोलते हैं, है ना। एंड ये तो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो बड़ी मजेदार है और मुझे नहीं लगता किसी को भूली होगी। एक डंडी होती है नीचे और ऊपर फर्टाइल पोर्शन होता है, और इस फर्टाइल पोर्शन का नाम होता है एंथर। हाउ मेनी लोब्स आर देयर? टू लोब्स, दीज आर कॉल्ड एंथर लोब्स। ये एंथर है, ये फर्टाइल पोर्शन है, और इसमें दो एंथर लोब्स हैं। देयर आर टू एंथर लोब्स। दो लोब्स का होना, फर्टाइल पोर्शन है ये और दो लोब्स हैं, दो लोब्स का होना, दिस इज कॉल्ड बाय थिकस कंडीशन। याद हो गया सबको? फर्टाइल पोर्शन इज कॉल्ड एंथर, उसके दो लोब्स हैं, दो लोब्स का होना इज बाय थिकस कंडीशन। इज बाय थिकस कंडीशन। अच्छा जी, ये जो डंडी है नीचे, ये आपको पता है ये फर्टाइल नहीं होती है, ये स्टराइल डंडी है, और इस लंबी और पतली डंडी का नाम होता है फिलामेंट। So, ये मैंने आपको पहले भी कराया था, मैं रिपीट भी कर देती हूँ। दो पोर्शन होते हैं स्टेमन के, एक इसकी लंबी और पतली डंडी है, लॉन्गर सिलेंडर डंडी फिलामेंट। ऊपर का पोर्शन फर्टाइल है, नोन एज एंथर। एंथर के दो लोब्स हैं, और दो लोब्स का होना हम इसको बाई थिकस कंडीशन बोलेंगे। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये प्रोक्सीमल एंड होता है और ये डिस्टल एंड होता है। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, पी मतलब पास वाला, और डिस्टल डी मतलब दूर वाला। अब आप मुझे ये बता दो कि अगर ये प्रॉक्सिमल एंड है और ये डिस्टल एंड है, तो प्रॉक्सिमल एंड किससे कनेक्टेड होता है? सो दोबारा बताती हूँ, ये प्रॉक्सिमल एंड है और ये डिस्टल एंड है। आपने मुझे बताना है कि प्रॉक्सिमल एंड किससे कनेक्टेड होता है। रेज योर हैंड प्लीज। पुरु के अलावा और कोई? एनी वन ऑफ यू? ये हमने पढ़ा हुआ है बड़े डिटेल में। दिवांशु बताओ बच्चे आप। हम थैलेमस। थैलेमस, ओके। एनीबॉडी एल्स? पुरु आप बताओ बच्चे। अच्छा अक्षिका। मैम थैलेमस रीजन। थैलेमस रीजन। अलीशा thalamus। ध्रुव मैम receptacle। thalamus and receptacle are the same thing, right? Okay। ध्रुव अक्षिका। पुरु बंसल। एक मिनट, एक और स्टूडेंट है अक्षिका। गौरीश तमन। हाँ गौरीश आप बताओ बेटे। हम थैलेमस और पेटल्स के साथ भी हो सकते हैं। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। सो बिल्कुल आप लोगों ने मैक्सिमम सबने आंसर सही दिया है बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को याद है कि स्टेमन और बाकी भी जो फूल के हिस्से हैं ना, वो थैलेमस से अराइज करते हैं। तो ऑफ कोर्स ये थैलेमस से ही कनेक्ट, सारा कुछ फूल का थैलेमस से उगता है, जिसका दूसरा नाम रिसेप्टिकल है। तो ऑफ कोर्स ये वाला हिस्सा थैलेमस से ही कनेक्टेड होगा, लेकिन कभी कभी ये पेटल से भी जुड़ा होता है। याद करो दैट कंडीशन इज वेरी कॉमन, एपिपेटलस। सो उसको मैं एक बार आपको रिवाइज करवाने के लिए ना, मैं फूल पूरा बना के दिखाती हूँ। सारा कुछ कहाँ से उग रहा है? थैलेमस से। ये फीमेल पार्ट हो गया, है ना। अच्छा इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद पेटल्स आएंगे। इसके बाद पेटल्स आएंगे। ये लो जी, ये पेटल हो गए कलरफुल से। फिर सेपल आएगा,
ये सेपल हो गया, पहले मैं फूल ही बना दिया कंप्लीट। देखा आपने चार पार्ट्स हैं, चारों थैलेमस से उगे हुए हैं, स्टेमन है, कार्पल है, पेटल है, सेपल है। अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये स्टेमन का प्रॉक्सिमल एंड है, ये किससे कनेक्टेड है, ये थैलेमस से कनेक्टेड है। लेकिन याद करो मैंने बताया आपको इलेवेंथ में हमने बड़ी फैमिलीज पढ़ी थी जहां पे ये वाला हिस्सा पेटल से कनेक्टेड होता है, और अगर ये पेटल से कनेक्टेड है तो हम उस कंडीशन को एपिपेटलस बोलते हैं। सो ये थैलेमस से या पेटल से कनेक्टेड है, एंड इफ इट इज कनेक्टेड टू पेटल्स देन इट इज कॉल्ड एपिपेटलस कंडीशन। समझ गए बच्चे? सो बस बहुत इजी पोर्शन और हम इसको लिखेंगे पहले। सो राइट इट डाउन प्लीज। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, लंबी डी है, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक नोन एज फिलामेंट। टर्मिनल पोर्शन इज फर्टाइल, नोन एज एंथर। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेमन, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेमन इज कनेक्टेड टू थैलेमस और पेटल्स। थैलेमस और पेटल्स और बाइथीकस क्या होता है बच्चे? ईच एंथर हैज टू लोब्स। बाइथीकस मतलब दो लोब्स जो मैंने ऊपर बनाए हैं। सो ध्यान से लिखना, यहां जबरदस्त कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है अगर आपने ध्यान से नहीं सुना और लिखा। ईच एंथर हैज टू लोब्स, दिस इज कॉल्ड बाइथीकस। ईच एंथर हैज टू लोब्स नोन एज बाइथीकस। ठीक है, सो व्हाट आई हैव शोन हियर इज बाइथीकस कंडीशन, बाइथीकस। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है। अलीशा, अक्षिका, ओके, दिवांशु, थैंक यू ध्रुव। परेश, नोट कर लिया आपने बच्चे? ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू गुरु। जिया, डन बेटा? ओके ओके ओके, दैट मींस Most of you have completed it. ठीक है, चलो अब स्क्रीन नहीं देखनी, अब मैं कुछ बोलूंगी, देखना आपके दिमाग में उसको इमेजिन करो। हमने शुरुआत करी है मेल पार्ट से जिसका नाम है स्टेमन। स्टेमन की एक डंडी होती है जो लॉन्ग और सिलेंडर है, यानी लंबी और पतली, और इस डंडी का नाम है फिलामेंट। ये डंडी फर्टाइल नहीं होती, फर्टाइल पोर्शन इसके टॉप पे होता है जिसका नाम है एंथर। एंथर के दो लोब्स है, विच कंडीशन इज कॉल्ड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड बाइथीकस। करो याद मन में,
एंथर के दो लोब्स हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं बाइथिकस, समझ गए। अगला क्वेश्चन, जो स्टेमन का प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड होता है जो ओरिजिन के पास है। अब सारा कुछ यहीं से उग रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिन है, ओरिजिन के पास वाले एंड को क्या कहोगे, प्रॉक्सिमल। तो वो किससे कनेक्टेड है, ऑफकोर्स वो थैलेमस से ही कनेक्टेड होगा जहां से उग रहा है, या फिर वो कभी कभी पेटल से भी यूनाइटेड होता है। ये उन सब फैमिलीज के लिए है जिसमें हमने एपिपेटलस कंडीशन पढ़ी थी। सो इट इज ईदर कनेक्टेड टू द थैलेमस और इट इज आल्सो समटाइम कनेक्टेड टू द पेटल्स, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल एंड है ओरिजिन के पास, ये डिस्टल एंड है ओरिजिन से दूर, समझ गए हो। सो इसमें देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इस डंडी को फिलामेंट कहते हैं, फर्टाइल पोर्शन ऊपर है, उसके दो लोब्स हैं, ठीक है जी, और जो स्टेमन का प्रॉक्सिमल एंड है वो थैलेमस से कनेक्टेड है, समझ गए। वन थिंग मोर जो मैं आपको 11th में करा चुकी हूँ, सिर्फ आप लोगों ने इस लाइन को नोट करना है, नोटेड डाउन, नंबर, लेंथ, साइज, shape, number, length, size, shape and attachment of anthers, and attachment of anthers are variable. variable, ठीक है, ये हमने किया हुआ है। सो ये आपके लिए नई इंफॉर्मेशन है, बाइथिकस दो लोब्स का होना, ठीक है जी। पेन ड्रॉप कर दो, कॉपी अपनी दो मिनट के लिए बंद कर दो और दिमाग अपना पूरी तरह से खोल लो अगर इसको समझना है, ठीक है। अच्छा जी, एक काम करते हैं, हमने इसको काट के देखते हैं, ये देखना सारे जने, बनाना मत कुछ, डायग्राम मत खराब करना अपनी। ये एंथर को पकड़ के मैंने ऐसे करके एंथर का सेक्शन काटा, ये होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। सो मैंने एंथर का सेक्शन काटा, हम इस सेक्शन को ट्रांसवर्स, मतलब मैं ऐसे करके काट रही हूँ। और बच्चे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हो ना, तो इसकी स्ट्रक्चर ही बड़ी अलग सी नजर आएगी। ये मैंने एंथर का सेक्शन काटा और जब मैं एंथर का सेक्शन काटूंगी तो मुझे कुछ ऐसे दिखाई देगा, वेट, मतलब बाहर से जो लगता है ना वैसा नहीं, बिल्कुल अलग सा होता है अंदर से, ऐसा दिखेगा आपको। ये लो जी, मैंने एंथर का सेक्शन काटा, आप देख रहे हो, दोबारा देख लो एक बार, मैंने ऐसे काटा इसको, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। और ट्रांसवर्स सेक्शन कटने के बाद ये कुछ ऐसा नजर आएगा, मुझे इसके चार कोने नजर आएंगे, और जब किसी भी स्ट्रक्चर के चार कॉर्नर्स होते हैं तो हम उसको टेट्रागोनल बोलते हैं। सो बच्चे चार कोने नजर आएंगे, और किसी भी स्ट्रक्चर के चार कोने हो तो उसको टेट्रागोनल कहते हैं। और इंटरेस्टिंग पोर्शन कि हर कोने के अंदर एक गोला सा है जहां पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, यानी एक्चुअली ये फर्टाइल एरिया रहेगा, और इन फर्टाइल गोलों को हम माइक्रोसपरेंजियम कहते हैं। सो ये है बच्चे जहां पे एक्चुअली स्पोर बनने हैं, गमीट बनने हैं, है ना, वो यहाँ पे होगा। और क्योंकि यहाँ स्पोर वगैरह बनते हैं सो हम इसको बोलेंगे माइक्रोसपरेंजियम, प्लूरल इज कॉल्ड माइक्रोस्परंजिया। हाउ मेनी माइक्रोस्परंजिया कैन यू सी इन टोटेलिटी, फोर। तो एंथर में कितने गोले हैं, चार। ये गोले क्या है, यहीं पे सारा कुछ होना है, स्पोर बनना है, गमीट बनना है ना, वो सब यहीं पे होना है, ठीक है। सो एक मिनट के लिए इस तरफ मेरी तरफ देखो, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, ये बिना देखे समझ नहीं आएगा। अब क्या फोटो बनी आपके दिमाग में, ऐसी फोटो बनी, ये दो लोब्स हैं, है ना, दो लोब्स का होना क्या होता है, बाइथिकस। ये नीचे डंडी है, कौन सी भला, फिलामेंट। मैंने इसको काटा, ये लंबे लंबे दो लोब्स थे, मैंने इसको काटा, काट के जो दिखा मैंने बना दिया। पर आपको एक चीज बताऊं, अगर आप अपने मन में ऐसे इमेजिन कर रहे हो कि ये दो लोब्स जुड़े हुए हैं, नीचे फिलामेंट है, तो गलत। ये पता कैसे जुड़े होते हैं, देखना सारे जने, ये ऐसे जुड़े होते हैं।
आगे से सेपरेटेड होते हैं, पीछे से कनेक्टेड होते हैं, और आगे सेपरेशन की वजह से एक गड्ढा सा बन जाता है। हम इस गड्ढे को डीप ग्रूव कहते हैं, और पीछे जो एक बैंड सा कनेक्ट कर रहा है, पैरेन्काइमा का बैंड, उसको कनेक्टिव कहते हैं। सो अब अपने दिमाग में पिक्चर बिठाओ, ये ऐसे नहीं है। This structure is not like this. The two lobes are there, नीचे डंडी is there. No, this is like this. समझ गए? ऊपर से ये हल्के से लोब ना आगे से anterior side से separated होते हैं, पीछे से connected होते हैं. Separate करेंगे तो there must be a गड्ढा, है ना? तो वो गड्ढे का नाम होता है deep groove, क्योंकि वो काफी deep गड्ढा होता है. और पीछे से एक band है parenchyma का लंबा सा जो connect करेगा, और जो connect करेगा उसको connective बोलेंगे. और जिसने मुझे बड़े बड़े ध्यान से सुना, अब वो मेरे question को answer करेगा. अगर एनसीआरटी यहाँ पे एक टिश्यू कटा हुआ दिखाती है और आगे एक डिप्रेशन को दिखा रही है, तो मुझे बताओ इन दोनों स्ट्रक्चर की लेबलिंग क्या होगी. मैं इसको लिख देती हूँ ए और इसको लिख देती हूँ बी. आप मुझे बताओगे ए कौन है, बी कौन है? अक्षिका, हाँ जी बच्चे बोलो. मैम ए कनेक्टिव है, बी डीप ग्रूव है. नमन बस समझ गए सारे इसका मतलब. वेरी गुड. सो आप देख लो कि जो पीछे से कनेक्ट कर रहा है ना, अफकोर्स वो कनेक्टिव है. जब आप एंथर काटोगे तो वो बेचारा भी तो कट जाएगा ना, लंबा सा बैंड. तो व्हाट द स्ट्रक्चर यू सी एट द पोस्टीरियर साइड इज कनेक्टिव. सो ये कनेक्टिव है, सामने गड्ढा होना है इसके, है ना? ये देखो, इधर मैं दोबारा देखो मेरे हाथों की तरफ. अगर ये पीछे वाला कनेक्टिव है, ये वाला कनेक्टिव है, तो कनेक्टिव के सामने कौन है? इस तरफ गड्ढा, अंटीरियर साइड पे गड्ढा, पोस्टीरियर साइड पे कनेक्टिव. सो बी जो है ये गड्ढा है, दिस इज डीप गड्ढा, एंड वी कॉल इट एज डीप ग्रूव. लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना. आप लोगों ने एक चीज देखी कि गड्ढा सिर्फ यहां नहीं है, गड्ढे हल्के हल्के दो और भी हैं. ये जो गड्ढे हैं ना, ये लोब के बीच में है. लोब में दो सपरंजियां हैं. ये देख लो, पहले ये एक लोब था, सारे जनों ने देख लिया, और ये दूसरा लोब है ना? दो लोब का होना क्या होता है, मैं लिख दूं यहाँ कोने में, दो लोब का होना क्या होता है? बाइथिकस. और मेन पोर्शन और इस डायग्राम का लास्ट पोर्शन ध्यान से देखना. अगर दो लोब्स का होना बाइथिकस है, तो मैंने अभी अभी नोटिस किया कि हर लोब में भी एक गड्ढा है, और हर लोब में दो सपरंजियां हैं. हर लोब में दो सपरंजियां, इजी करके दोबारा बोलती हूँ, दो लोब है, हर लोब में दो सपरंजियां हैं. दो लोब्स का होना बाइथिकस है, और हर लोब में दो सपरंजिया का होना डाइथिकस है. ठीक है जी, बस ये मेन पोर्शन था आज का, जिसमें कंफ्यूजन्स होती हैं. कोई कॉपी खोल के इसको बनाने की कोशिश नहीं करेगा, और कल जब मैं पूछूं तो मुझे सबसे आंसर मिलना चाहिए. सुनना मेरी बात को. आपको याद है प्लस वन में जब हमने लिविंग वर्ड वाला चैप्टर किया था, तो मैंने आपको दो टर्म सिखाई थी, एक टैक्सोनॉमी और एक सिस्टमैटिक सिखाया था. आई टोल्ड यू कि ये टर्म ना इंटरचेंजेबल है. टैक्सोनॉमी की जगह सिस्टमैटिक्स लिखा मिलेगा, सिस्टमैटिक्स की जगह कभी कभी टैक्सोनॉमी. तो घबरा नहीं जाना, क्योंकि ये दोनों टर्म ना इंटरचेंजेबल है. हालांकि फर्क आपको पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी में एवोल्यूशन स्टडी नहीं करते, सिस्टमैटिक्स में करते हैं. तो हमें पता है फर्क क्या है, और हमें ये भी पता है कि वो इंटरचेंजेबल है. लिखा भी होगा तो हमें घबराना नहीं है कि यहाँ तो टैक्सोनॉमी होना चाहिए था, इन्होंने सिस्टे कैसे लिख दिया, या सिस्टमैटिक्स होना चाहिए टैक्सोनॉमी. द सेम गोज हियर. ये बाई और डाई इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं. आपको बाई की जगह डाई लिखा मिल सकता है, डाई की जगह बाई लिखा मिल सकता है, और आपने घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, ये टर्म इंटरचेंजेबल है. हाँ, पर आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली दोनों में फर्क क्या है. तो दो लोब्स का होना बाइथिकस होता है, और हर लोब में दो सपरंजिया का होना, जिसको हम थीका भी बोलते हैं, डाइथिकस है. तो ये एक लोब,
ये एक लोब और ये दूसरा लोब बाइथिकस, और हर लोब में दो सपरंजिया का होना डाइथिकस। हालांकि दोनों टर्म इंटरचेंजेबल हैं, अपनी बुकलेट में पढ़ना, आपको एक जगह डाई लिखा मिलेगा और आप सोचोगे अरे नहीं यहाँ तो बाई होना चाहिए, कोई बात नहीं, दीज आर इंटरचेंजेबल टर्म, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इनमें फर्क क्या है। दो लोब बाइथिकस, हर लोब में दो सपरंजिया डाइथिकस, और सपरंजिया को थीका भी बोलते हैं। ये फर्टाइल पोर्शन है, जो हमने सीक्वेंस नहीं सीखा, स्पोर बनता है, गैमेट बनता है, वो सब यहीं पे होता है। एंड इफ देयर इज अ डीप गड्ढा हियर, तो एक छोटा सा गड्ढा हमें यहां भी दिखाई दे रहा है और इधर भी दिखाई दे रहा है। ये जो आपको छोटा सा गड्ढा दिखाई दे रहा है ना दोनों तरफ, ये भी पुत्र जी ग्रूव ही है, ये भी गड्ढा है। खैर ये इतना डीप तो नहीं है, पर है तो ये भी गड्ढा, और हम इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि देख के लगेगा कि डीप ग्रूव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर पता लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस तरफ भी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, इस तरफ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हुआ इसका कि कल को जब ये एंथर पक के फटेगा ना तो यहां से फटता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो दोनों तरफ है ना यहां से फटता है, ये पतले एरिया है, यहां से फटेगा, समझ गए? और यहां से फटेगा, हम इसको बोलेंगे लाइन ऑफ डेहिसेंस, और द अदर नेम इज स्टोमियम। तो ये जो लॉन्गी ग्रूव है ना ये पतली होती है और यहीं से फटके पोलन बाहर आते हैं, और आमने सामने के दोनों लॉन्गी ग्रूव को हम लाइन ऑफ डेहिसेंस या फिर टेक्निकली स्टोमियम बोलते हैं। और इसके साथ एनसीईआरटी की डायग्राम हो गई खत्म, पर एनसीईआरटी ने इस डायग्राम को 3D बनाया हुआ है, सो हम भी इसको 3D कर देते हैं। सीख तो लिया ही हमने, लेबलिंग तो हमें सारी पता चल गई क्या है, कौन सा हिस्सा है ना, तो फिर इसको जरा एनसीईआरटी की फॉर्म में बना दे, 3D सब दिखाया हुआ है, हमने बना देते हैं इसको। अब मुझे नहीं लगता किसी को लेबलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर, सो दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। ठीक है, कॉपी तो नहीं खोली किसी ने, पेन तो नहीं खोला, चलो फिर सुनो और सुन के फिर फाइनली बनाना। अब देखना मत, स्क्रीन छोड़ ही दो, आप मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। स्टेमन को हमने काटा, उसके फटाई पोर्शन यानी कि एंथर को काटा, उसमें दो लोब थे बाइथिकस, और जब हमने काटा तो हर लोब में दो सपरंजिया थे डाइथिकस। ठीक है, लोब्स के बीच में जो गड्ढा होता है वो डीप ग्रूव होती है, और सपरंजिया के बीच में जो गड्ढा होता है वो लॉन्गी ग्रूव होती है। लॉन्गी ग्रूव कमजोर है, यहाँ पे सेल वीक होते हैं, पतले होते हैं, जबकि बाकी हर जगह पे सेल मोटे हैं, और पतला एरिया आपको पता है बड़ा सेंसिटिव है। कल को जब ये एंथर पक के फटेगा और अपने पोलन ग्रेन्स को रिलीज करना चाहेगा तो यहीं से फटेगा। आमने सामने की लॉन्गी ग्रूव को दोनों को मिला के हम लाइन ऑफ डेहिसेंस या स्टोमियम बोलते हैं। चार कोनों का होना ये टेट्रागोनल हो गया, दो लोब्स का होना ये बाइथिकस हो गया, और हर लोब में दो सपरंजिया का होना ये डाइथिकस हो गया। तो जैसे पुत्र जी आपने बाइथिकस की डेफिनेशन लिखी है ना, ऐसे ही डाइथिक, मैंने पहले ना बाइथिकस की लिखी हुई है, ये देखो ईच एंथर हैज टू लोब, अब मैं डाइथिकस की लिख देती हूँ, ईच लोब हैज टू सपरंजिया। हाँ, और बिल्कुल ऐसे ही कॉपी के ऊपर नोट करना है ताकि आपको किसी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। ईच लोब हैज टू सपरंजिया, ये डाइथिकस होता है, और सपरंजिया को थीका भी बोलते हैं, थीका इज फर्टाइल पोर्शन। लो जी, अब जरा तसल्ली से बाद में पढ़ना, पहले बना लो।
नीट में कोई भी लेबलिंग आए, क्योंकि एनसीईआरटी ने लेबलिंग नहीं दी हुई है, तो लेबलिंग आपने सीख ली है, अब कोई भी लेबलिंग आए तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। ठीक है बेटा, मनीष, नमन, रिया, नोट कर लिया बच्चे आपने? ओके, आज का लास्ट स्लाइड है कंक्लूजन, हमारा कंक्लूजन बना दूं मैं, क्या क्या सीखा हमने इकट्ठा कर दें, ऐसे सीखा हमने, है ना बच्चे? चलो मैं लिख रही हूँ नीचे। अच्छा, टेट्रा इसमें लोब्स कितने थे? दो, है ना, बाइथिकस। अच्छा, टोटल सबरंजिए कितने हो गए? चार, टेट्रा सबरंजिएट। सो जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो मैंने यहाँ कंक्लूड कर दिया। सो एक नॉर्मल एंथर कैसा होता है? बाइथिकस, डाइथिकस, टेट्रा सबरंजिएट। सो दिस इज अ नॉर्मल एंथर, ठीक है। दो एक्सेप्शन बता रही हूँ, मैंने आपको कराई भी हुई है इसमें से एक एक्सेप्शन, अगर आप याद कर पाओ तो। चाइना रोज की फैमिली में, मालवेसी फैमिली में ऐसा होता है, देयर इज ओनली वन लोब, और जब वन लोब होगा तो मोनो, दो थे तो बाइथिकस बोला था, और एक लोब होगा तो मोनोथिकस बोलेंगे, सपरंजिया घट के आधे हो जाएंगे। सो वो टेट्रा सपरंजिएट था, ये बाइसपरंजिएट हो जाएगा। और एक एक्सेप्शन और बता दो आपको लास्ट में आज की, कि एक डवाफ मिसल्टो होता है, मतलब ये एक पौधा है दूसरों के ऊपर पैरासाइट बन के रहता है, एनजीओ है और दूसरों पे पैरासाइट है, और पता क्या है, लोब भी एक और पूरे लोब में सपरंजिया भी एक, सो पूरे लोब में एक ही लोब है, एक ही सपरंजिया, सो दिस इज मोनोसपरंजिएट कंडीशन, और ये पैरासिटिक प्लांट में देखने को मिलेगा, जो एनजीओ है लेकिन दूसरे पौधों पे पैरासाइट होता है, दिस इज कॉल्ड आर्सियोथोबियम, दिस इज आर्सियोथोबियम एंड इट्स बोटेनिकल नेम इज आर्सियोथोबियम, कॉमनली नोन एज डवाफ मिसल्टो, इट्स अ पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, नोट कर लिया आपने तो मैं फटाफट एक बार रिवीजन करा देती हूँ आपको। हाँ जी बेटे, चलो एक बार फटाफट रिवीजन करें, बिकॉज वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2-3 मिनट्स, सो ध्यान से सारे जने देख लो, ठीक है। चलो स्क्रीन देखे बिना कोशिश करो, बहुत इजी है, समझ ही गए हो, कुछ टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग बस अपना फोकस्ड रखना है, सब कुछ समझ में आता है, सो ध्यान से सुनना। जब कोई मेल और फीमेल गमीट बनते हैं और फ्यूज करके नया ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, हर कोई इसको प्रेफर करता है क्योंकि इससे वेरिएशन आती है और एवोल्यूशन में हेल्प मिलती है। इसका टेक्निकल नाम होता है एम्फीमिक्सिस। हमारी बॉडी में ये ड्यूटी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को दी गई है, प्लांट में ये ड्यूटी फूल को दी गई है, सो फूल है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। आप कहते हैं हमारी बॉडी में तो पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या प्लांट में भी पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है, प्लांट में भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, और बिल्कुल एक छोटी छोटी आउटग्रोथ बाहर आने लग जाती है और फिर वो डेवलप होने लग जाती है, उसका नाम है फ्लोरल प्राइमोडिया। प्राइमोडिया इज ए अर्ली स्टेज, जब आपको कोई चीज दिखनी शुरू हो जाए तो दैट अर्लीएस्ट स्टेज इज कॉल्ड प्राइमोडिया। थोड़ी देर में वो बड़ा होके बड बन जाएगा और थोड़ी देर में वो खिल के फूल बन जाएगा, और ये चीजें गुच्छों में नॉर्मली बनती हैं, दिस इज कॉल्ड एन इन्फ्लोरेसेंस,
ठीक है जी, बस आप देख लो जी पौधा रेडी है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो फ्लोरल प्राइमोर्डिया देन बड देन फ्लावर एंड द प्लांट इज रेडी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फूल में स्टेमन और कार्पल बनेंगे, उनके अंदर ये इवेंट्स होंगी, स्पोर बनेंगे, गमीट बनेंगे, डिस्पर्सल होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियो बनेगा. क्योंकि सबसे क्रूशियल इवेंट फर्टिलाइजेशन है, तो जो कुछ उससे पहले हो रहा है दीज आर कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो बाद में होगा दैट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन. हमारे चैप्टर का सीक्वेंस भी ऐसा ही है, समझ गए हो. अनदर पॉइंट, मेल में ये दोनों इवेंट कैसे होती हैं और फीमेल में ये कैसे होती हैं, यही हमारे आने वाले लेक्चर्स हैं कि मेल में स्पोरो और गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, फीमेल में स्पोरो और गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है. मेल को शुरू किया हमने, हम सीखे मेल में, इससे पहले मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ना पड़ेगा. फूल की प्लांट के लिए तो जो वैल्यू है ही है, हमारे लिए भी बड़ी वैल्यू है, इससे हमें प्लेजर मिलता है और ऑर्नामेंटल सोशल कल्चरल और रिलीजियस हमारे फंक्शंस में भी हम फ्लावर को यूज करते हैं. स्टेमन है, अब स्क्रीन बिल्कुल मत देखना और मेरी बात को ध्यान से सुनना, और ये मेन एरिया आ गया. फूल को खोला, उसमें स्टेमन मिलेगा. स्टेमन की एक लंबी और पतली डंडी है जिसका नाम फिलामेंट है. ऊपर का पोर्शन फर्टाइल है जिसका नाम एंथर है और जिसके दो लोब्स होते हैं. नॉर्मली हम इस कंडीशन को बाइथिकस कहेंगे. स्टेमन का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो या तो थैलेमस से कनेक्टेड होता है या पेटल्स के साथ कनेक्टेड होता है. दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड ओरिजिन के पास वाला. अब या तो ये ओरिजिन यानी थैलेमस से जुड़ा होगा या फिर ये पेटल से जुड़ा होगा. अगर ये पेटल से जुड़ा होता है तो इसको एपिपेटलस कंडीशन कहते हैं. मैंने इसको पकड़ के, अब ध्यान देना एक मिनट, ये लंबे लंबे दो एंथर लोब हैं. जस्ट लुक एट मी, ये मैं बार बार ऐसे बना रही था, दो लंबे लंबे एंथर लोब्स होते हैं बच्चे, लॉन्ग होते हैं, ठीक है. और अगर मैं इनका ऐसे करके ट्रांसवर्स सेक्शन काटूंगी ऐसे करके, तो मुझे बड़ी एक अजीबोगरीब सी स्ट्रक्चर दिखाई देगी ऐसे, समझ गए. मुझे लोब तो दो ही कटे हुए दिखाई देंगे लेकिन उनके अंदर टोटल चार सपरंजियां होंगे. सो ध्यान देना, लास्ट की दो या तीन लाइंस हैं और मेरे ख्याल से ये आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं. ध्यान से बोलना, सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है. जब मैंने इसको काटा तो मुझे सबसे पहले चार कोने दिखाई देंगे. किसी भी स्ट्रक्चर के चार कोने होते हैं तो उसको टेट्रागोनल कहते हैं. फिर पुत्र जी दो लोब्स दिखाई देंगे, बाइथिकस. हर लोब में दो सपरंजिया दिखाई देंगे, डाइथिकस. सो चार कोने विच इज कॉल्ड टेट्रागोनल, दो लोब्स दिखाई देंगे, बाइथिकस, और हर लोब में दो सपरंजिया दिखाई देंगे, डाइथिकस. ठीक है, लास्ट पार्ट आज का. दो लोब आगे से सेपरेटेड होते हैं डीप ग्रूव से और पीछे से कनेक्टेड होते हैं कनेक्टिव से. सो अगर बेटा जी ये सामने वाली डीप ग्रूव है अंटीरियर साइड पे, तो पोस्टीरियर साइड पे कनेक्टिव है और ये गड्ढा काफी डीप है. लेकिन जो सपरंजिया के बीच में गड्ढा होता है वो इतना डीप नहीं होता और बहुत वीक होता है. सो यही से एंथर आगे चल के फटेगा. हम इस पूरी लाइन को लाइन ऑफ डेहिसेंस या स्टोमियम के नाम से जानते हैं. और ये है एक टिपिकल स्टेमन जो कि टेट्रागोनल बाइथिकस डाइथिकस स्ट्रक्चर होती है. लेकिन बच्चे थोड़ी सी वेरिएशन भी देखने को मिल सकती है. अब ये जो वेरिएशन है ये हम कल डिस्कस करेंगे. सो आपने यहां तक अच्छे से इसको एक बार पढ़ के आना है और कल मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप लोगों ने आंसर करना है. कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो फटाफट हैंड रेज करके. हाँ जी बेटे बोलो. नहीं बेटे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इस बारे में तो कोई क्वेश्चन करना ही नहीं है. मैं आपको बता देती हूँ क्यों, क्योंकि किताबों के अंदर टर्मिनोलॉजी में बहुत कंफ्यूजन है. मैंने अगर कोई बाइथिकस वर्ड यूज किया है तो बाइथिकस ही है, ऐसे अपनी तरफ से कुछ अज्यूम नहीं करना, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे. अब आपने पूछ लिया है तो मैं एक मिनट लेके दोबारा मुझे बताना पड़ेगा. दो लोब्स का होना बाइथिकस, ठीक है जी. बाइलोब्ड भी लिखा हुआ है पर मैं लोब्ड लुब्ड के चक्कर में नहीं, सिंपल जो चीज कंफ्यूजन क्रिएट करती है उसको सुनो. दो लोब्स का होना, सुन रहे हैं सारे जने, बाइथिकस, और हर लोब में दो सपरंजिया का होना डाइथिकस. आज के लिए इतना ही काफी है. दो लोब बाइथिकस, हर लोब में दो सपरंजिया डाइथिकस. अपने मन में
कुछ भी अज्यूम नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। बाकी जो ये वाली चीज है ना, ये आपको मैं कल सिखाऊंगी, जब आप सारा बेसिक पढ़ाओगे ना फिर इन टर्म्स को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके।